जब सरकारी स्कूल है वो वहाँ गई थी तो उनके साथ मारपीट की दूसरे समुदाय की बच्चियों ने, तो उसके लिए आज उन्हें धमकी मिली और बच्चों के साथ में आज बहुत ही मारपीट हुई, बहुत गंदा व्यवहार हुआ। बच्चियों को सुबह से अपने रूम से निकलने नहीं दिया गया, उन्हें पानी के लिए, वॉशरूम के लिए, खाने के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई और उन्हें डरा के रखा गया कि आप मीडिया वालों को कुछ नहीं बोलेंगे। जब बात करी थी तब पीछे से जो सारी लड़कियां हैं, जो नकाबपोश थी, सबने नकाब पहना हुआ था, हिजाब पहना हुआ था, वो सारे गलत गलत कमेंट्स कर रही थी। बुर्का और हिजाब को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। स्कूल में कुछ छात्राएं जिन्होंने ये घटनाक्रम पूरा मीडिया के सामने बताया, उनको घेर लिया गया ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ उनके परिजन पहुंच गए हैं थाने पर। ये पुलिस थाना सुभाष चौक में आपको दिखा रहा हूँ, क्या कुछ हुआ है वो बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और क्या रहा, FIR दर्ज हुई नहीं हुई या क्या है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बात हो गई है, क्यों आए? यहाँ पे आज हमारे बच्चों के साथ में जब वो स्कूल गई थी बांद्रे का नाक के, जैसे गंगापुल स्कूल है तो वहाँ पे जब सरकारी स्कूल है वो वहाँ गई थी तो उनके साथ में मारपीट की दूसरे समुदाय की बच्चियों ने। तो ये घटना क्यों हुई कि जो परसों बालमुकुंद आचार्य जी के खिलाफ जो कल यहाँ पे धरना हुआ था सुभाष चौक पे, तो वहाँ हमारी बच्चियों ने बालमुकुंद आचार्य जी की जो सही और गलत बात थी वो कही थी कैमरे के आगे, मीडिया के आगे, तो उसके लिए आज उन्हें धमकी मिली और बच्चों के साथ में आज बहुत ही मारपीट हुई, बहुत गंदा व्यवहार हुआ। प्रिंसिपल मैम स्कूल नहीं आए, बच्चियों को सुबह से अपने रूम से निकलने नहीं दिया गया, उन्हें पानी के लिए, वॉशरूम के लिए, खाने के लिए बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई और उन्हें डरा के रखा गया कि आप मीडिया वालों को कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। उसके बाद में जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वहाँ पे मीडिया भी पहुंचा था उनके स्कूल में, बच्चों के बयान लेने के लिए मीडिया पहुंचा था, लेकिन वहाँ पे मीडिया से बात नहीं करने दी गई बच्चियों को। फिर जब वहाँ से छुट्टी हुई, बच्चियां निकलने लगी तो मीडिया ने उन्हें रोका और बात की। जब बात करी थी तब पीछे से जो सारी लड़कियां हैं, जो नकाबपोश थी, सबने नकाब पहना हुआ था, हिजाब पहना हुआ था, वो सारे गलत गलत कमेंट्स कर रही थी। करने के बाद में तनु है, कुसुम है और एक तनु और है, मुस्कान है, दिव्या, बहुत सारी लड़कियों को वहाँ पे रोका और उनके ऊपर हमला किया, कम से कम 15-20 लड़कियों ने, और काफी कुछ अनाप शनाप बोला उनके लिए, महाराज जी के लिए भी बोला, अपने बच्चों के लिए भी बोला, अपने हमारे हिंदू समाज के लिए भी बोला। और फिर उनके साथ में मारपीट की, हाथापाई की और तनु नाम की गुड़िया तो वहाँ पे मतलब एक तरह से बेहोश ही होकर गिर गई थी। जब मैम ने उठाया, उन्हें पानी पिला, उसके बाद में वो लोग बाहर आए। पुलिस से बातचीत हुई है, FIR दर्ज हो पाई है? जी हाँ जी, बिल्कुल हमारी FIR दर्ज हो गई है और पुलिस प्रशासन हमारा साथ देने को तैयार है। और क्या बताया बच्ची ने आपको? बच्ची ने ऐसे बोला कि सबने मारा हमारे को, तो मैं किसी ने नहीं छुड़ाया कि नहीं, किसी ने भी नहीं छुड़वाया। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ना, क्या नाम से हमारे बच्चियों ने कि हमारे को बहुत बुरे मारी उन्होंने, वो 15-20 लड़कियां थी ना, वो बुर्का पहन रखी थी। आप अभी थाने आए तो पुलिस ने क्या कहा? बोला कार्रवाई करेंगे। आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या बात हुई है पुलिस? सर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे और जो बच्चियों ने उस पे जो करा है उसके बारे में समझाएंगे। ये बात गलत है, बच्चियों पे हाथ उठाया गया, हमें तो ये मानना है, मानो बात हर होती है, मैटर अब तक होता है, हम भी वहीं से पास आउट है 6th to 12th, बट ये बात गलत है कि बच्चियों पे हाथ उठाया गया। हम तो प्रिंसिपल से या स्कूल स्टाफ से बात हुई आपके इस मामले? जी नहीं सर, अभी बात नहीं हुई। कोई है वहाँ पे बात करने के लिए? है, ऐसे तो मैम है, शबाना मैम वगैरह है, जानते हम सबको, स्टाफ को जानते हम। क्या कुछ कहा नहीं उन्होंने, इस तरह का मामला हुआ है? अभी तो इनसे हुई थी बात। आप क्या बात हुई थी? हमारी कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय शिफ्ट बदल जाती है, हमारी बच्चियां फर्स्ट शिफ्ट में जाती हैं और उस समय जो 12:30 बजे के बाद में जो घटनाक्रम था वहाँ पे शिफ्ट बदल गई थी, तो आज तो किसी ने हमसे कोई बात नहीं करी, लेकिन अब हम कल जाकर करेंगे। और तो ये आप समझ सकते हैं, ये परिजन थे उन बच्चियों के जिन्होंने, जिन बच्चियों के साथ हाथापाई स्कूल में की गई, आरोप इनका लगाया गया है और इन्होंने कहा है कि नकाबपोश लड़कियां थे जिन्होंने हाथापाई की है। पुलिस से आश्वासन मिला है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी।